हेलो दोस्तों, मेरा नाम रामानंद कुमार। मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूँ आज, किंगडम प्रोटेस्टा पार्ट टू। कुछ दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, उसके लिए सॉरी। तो आज शुरू करते हैं किंगडम प्रोटेस्टा पार्ट टू। किंगडम प्रोटेस्टा में सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंट भाग होता है क्लासेज। इसका क्लासेज आपको बताया गया था पिछले क्लास में, क्राइसोफाइट्स, डायनोफिलेजलिट्स, जो दोनों अलग अलग प्रोटिस्टा होता है, इग्लूमाइड्स, स्लाइमबोर्ड्स एंड प्रोटोजोआस। तो आज हम पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स के बारे में। क्राइसोफाइट्स है इंक्लूडेड डाई एटम। क्या है? डाई एटम एंड गोल्डन अलगी। गोल्डन अलगी को हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं, डिसमाइट्स। डायनोफिलेजलिट्स गोल्डन अलगी को ही डायनोफिलेजेट्स भी कह सकते हैं। फाउंड इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर मतलब हो गया पोखरा, नदी, एज वेल एल मरीन इन्वायरमेंट। मरीन इन्वायरमेंट का मतलब हो गया समुद्र में। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटा होता है ये। फ्लोट पैसेबली इन वाटर करेंट, उसको कहेंगे प्लैंकटॉन्स। जैसे कि मान लीजिए एक नदी है, ठीक है, नदी की धारा ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो क्राइसोफाइट्स है ये भी नदी की धारा के साथ ही बहेगी, ओके, नदी की धारा के साथ ही जाएगी। इसीलिए फ्लोट पैसिवली मतलब कि बिना को एनर्जी खर्चा किए हुए ये अपनी मूवमेंट को बढ़ा रहा। जैसे एक्टिव और पैसिव होता है, एक्टिव मतलब उसमें एनर्जी का एटीपी का प्रयोग होता है, और पैसिव जिसमें एटीपी का प्रयोग नहीं होता है। मोस्टली फोटोसिंथेटिक, मोस्टली लिखा हुआ सभी नहीं हो सकता है इसमें, मोस्टली अधिकतर 90% 99% इसमें फोटोसिंथेटिक होता है। क्राइसोफाइट्स आर टू टाइप्स, दो प्रकार का हो गया, डाई एटम एंड डायनोफिलेजलिट्स। डाई देखिए इंक्लूड्स डाई एटम, ओके, इंक्लूड्स डाई एटम, तो डाई एटम गोल्डन अलगी या फ्लेजलेस डायनोफिलेजलेस, ठीक है। तो देखते हैं आगे इसका क्या होता है। कुछ दोस्तों ने बोला था कि सर एनसीईआरटी के बारे में भी कुछ इसमें आप डिस्क्राइब कर दीजिए। तो जो मैंने आपको टॉपिक बाय टॉपिक और लाइन बाय लाइन जो लिख के बताया था वो भी एनसीईआरटी का ही पार्ट है। आप देख सकते हैं ऑल सिंगल सेल कॉल्ड यूकैरियोटिक अंडर प्रोटिस्टा बट बाउंड्री ऑफ द किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। मतलब इसका बाउंड्री डिफाइंड नहीं है, क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है, एक बायोलॉजिस्ट उसको कह रहा है प्लांट, दूसरा कह रहा है इसको डाल दिया क्राइसोफाइट्स में। डायनोफिलेजलेस इग्लूनोवाइट्स, स्लाइम मोल्स एंड प्रोटोजोन अंडर प्रोटिस्टा, मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरी एक्वाटिक, ठीक है। दिस किंगडम लिंक विच अदर डीलिंग प्लांट एनिमल एंड फंजी, आपको बताया गया था। देखिए इसका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आप पढ़िएगा तो क्या क्या है उसमें, मोनरा है, मोनरा के बाद प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के बाद फंगी है, फंगी के बाद प्लांट है, प्लांट के बाद तो ये जो मोनरा किंगडम है, मोनरा किंगडम क्या होता है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, तो इसमें प्रोटिस्टा तो आ नहीं सकता है। तो प्रोटिस्टा किससे मिलेगा, यही तीनों से जो बचा हुआ है, फंगी से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा या एनिमल से मिलेगा। बींग यूकैरियोटिक द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। अदर बॉन्ड ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया अदर बॉन्ड ऑर्गेनेल के मतलब हो गया, देखा बताते हैं आपको, ऑर्गेनेल्स जैसे कि गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोजोम, यही सब हो गया अदर बॉन्ड। सम फ्लैजेला, सम हाई फ्लैजेला एंड सिलिया, किसी कुछ के पास सिलिया एंड फ्लैजेला के पाता है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाई ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जायगोट फॉर्मेशन।
ये आपको सब कुछ हम आपके टॉपिक बाय टॉपिक लिख के बता दिया गया था, ये एनसीईआरटी का एक भाग है इसीलिए आपको जोड़ दिए हैं इसमें। डाई एटम्स, डाई एटम्स के बारे में देखिए आप, डाई एटम्स सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स। सेल वॉल क्या करता है, ओवरलैप करता है। वॉल एम्बेडेड विथ सिलिका, सिलिका मतलब बालू, मतलब सिलिकॉन एसाइड, एंड दस इनडिस्टर्बल मतलब कि ये विनाश नहीं हो सकता है। ऑक्सो स्पोर फॉर्मेशन, फॉसिलाइज्ड रिमेन्स ऑफ डाई एटम आर रिफर टू एज डायमेट्रियस अर्थ। ये डाई एटम से बन रहा है तो डायमेट्रियस अर्थ है, मतलब कि ये समुद्र का सतह है, ये समुद्र का सतह है मान लो, तो इसमें डायमेट्रियस अर्थ का मतलब ये हो गया कि कोई भी डाई एटम के जब मौत होगा तो ये समुद्र की सतह पर जाके बैठेगा और उसको ये एक मजबूती प्रदान करने के लिए काम करता है। इसको दूसरा भी कह सकते हैं काई सेल घर एक साइंटिस्ट का नाम है। बीइंग ग्रीटी, ग्रीटी मतलब होता है दानेदार। दिस सॉइल यूज द पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ वाइल्ड सिरप। और इसका एक और होता है कि कोई भी फायर प्रूफ बनाने के लिए डाई एटम का प्रयोग किया जाता है। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन, आप चीफ प्रोड्यूसर कैसे हम इसको मानेंगे, तो चीफ प्रोड्यूसर इसीलिए इसको मानेंगे क्योंकि यह यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक होता है और फोटोसिंथेटिक भी होता है, तो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन है। चलिए एक बात और को ध्यान देकर देखते हैं, चीफ प्रोड्यूसर का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक कोई सतह हो गया प्राइमरी सतह, तो आप समुद्र डाई एटम कहाँ पाया जाता है, मरीन में, तो कोई भी फोटोसिंथेटिक कोई भी सामान हो, फोटोसिंथेटिक कोई भी जीव हो जैसे प्लांट हो डाई एटम हो, तो ये प्रोड्यूसर का ही काम करेगा। किसका काम करेगा, प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर का मतलब हो गया ऑक्सीजन देने वाला कोई भी ग्रीन, तो जो चीफ प्रोड्यूसर हो गया इसे सब कुछ ही बनाता है समुद्र में। उसके बाद हो गया कोई भी एक प्लांट को खाने वाला, उसको कंज्यूमर, कौन सा कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर, अपने लोग इंसान टर्शियरी कंज्यूमर मानते हैं, बस यही बात आपको कहना था। चीफ प्रोड्यूसर का मतलब हो गया अधिकतर कुछ बनाने वाला। तो दोस्तों ये क्लास आपको देखकर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कोई भी सवाल हो आप हमें ईमेल पर भी पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स के सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।